इस प्रस्ताव का या अभिभाषण का जो हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके रोड मैप ना बना करके तैयार किया गया था, उसका हमने विरोध किया, हमारे दल ने, भाजपा ने विरोध किया। परमार जी, आपने कहा कि गोकुल मंत्री का जो है वो विपक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने ठगा है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने विश्वास के रूप में इनको समर्थन दिया, पर अगर 25-26 दिनों की बात करें तो ये बिखरी हुई सरकार, ये सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। हाँ, एक बात कह सकता हूँ, जो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों की सुविधाओं के लिए संस्थान खोले थे, उनको ऐसी चाबुक चलाई, एक सर्कुलर जारी किया गया और उन सभी को निरस्त कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ है, हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी इन मुद्दों को उठाएंगे, जनता हमारे साथ खड़ी होती है। सर, व्यवस्था परिवर्तन की आपने बात कही और मुख्यमंत्री के जो है सदन में ना होने को लेकर भी आपने मुख्यमंत्री जी का के ससुर जी का पिछले कल रात 10 बजे देहावसान हुआ है, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ा और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने मुझे अधिकृत किया था, इसलिए मुझे नहीं। सर, मुख्यमंत्री जी जो है वो सदन में मौजूद नहीं थे। मैं यही कह सकता हूँ कि आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और सदन के नेता वहाँ से कहीं चले जाएं बाहर, और पिछले कल जब हम उनके ऑफिस गए तो वहाँ उनके अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी, कोई तालमेल नहीं है, तो हम अपनी बात किसको बताएं? तो मैं